आपने सही कहा कि जैसे आप देखें, लास्ट ईयर जब कोविड का एपिडेमिक चालू हुआ था तब भी कई तरह की गलत गलत जानकारियां थी कि एक पर्टिकुलर फूड खाने से कोविड नहीं होगा, ये विटामिन खाने से कोविड नहीं होगा। जैसे अभी कई मैंने भी पढ़े हैं कि कोविड का वैक्सीनेशन लेने से आप ब्लाइंड हो जाओगे, कोविड का वैक्सीनेशन लेने से इनफर्टाइल हो जाओगे, आपका टेस्ट चला जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह की जो गलत जानकारियां फैलती हैं, इसको फैलाने में हमारा भी एक सहयोग होता है कि एक इंसान ने गलत जानकारी दी, कहीं से भी एक जानकारी आ गई और उसे फैला दिया बिना उसकी सच्चाई को देखे हुए, उसे वो स्प्रेड आउट कर दिया या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया उसे फॉरवर्ड कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जब आप कोई आपको चीज पता चलती है, जैसे आपने इंटरनेट से कोई देखी या किसी मित्र ने आपके रिश्तेदार ने भेजा उसको, अगर वो गलत है तो उसे काइंडली फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप 5-10 और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे वैक्सीनेशन के बारे में हमने कई 3-4 चीजें बताई कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। आप बताएं, कोई भी अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो उसमें थोड़ा तो पेन होगा। तो कहने का मतलब है कि अब साइड इफेक्ट हम किसे कहते हैं, हमने कितने लोगों को वैक्सीन लगाते हुए देखा, हल्का सिर दर्द, थोड़ी सी बुखार, ये तो कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं उसमें आता है। तो कहने का मतलब है कि इसके बारे में एक गलत जानकारी देना, गलत दुष्प्रचार करना, ये सही नहीं है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीनेशन में कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाएं, हमने भी वैक्सीन लगाया है, वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पता भी नहीं चला कि वैक्सीन लगा है। तो कहने का मतलब है कि वैक्सीनेशन में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तब जाकर हम कोविड को बीट कर पाएंगे हमेशा के लिए।